वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट द हार्मोन्स, एक्चुअली व्हाट आर हार्मोन्स एंड द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट, राइट। सो एज वी नो दैट द हार्मोन्स, दीज आर द केमिकल सबस्टांसेस, राइट। दे आर एक्ट एज मैसेंजर्स एंड वी नीड दीज टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन स्मॉल ट्रेसेस, राइट। और साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी, जो ये हार्मोन्स हैं हमारे पास, ये रिलीज होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डकलेस ग्लैंड्स, राइट। सो ये क्या करते हैं, एक टारगेट ऑर्गन चुनते हैं अपना और डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, सिग्नल्स की फॉर्म में, और वहाँ पर जाकर जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स अस टू कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शनिंग थ्रू देयर केमिकल्स डैट वी कॉल एज हार्मोन्स, राइट। सो इतनी बात आपको ऑलरेडी पता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से और आप लिख सकते हो इस पॉइंट्स को, जो है आप वहाँ पर एग्जाम में इनको जो है शॉर्ट नोट टाइप में आप साथ साथ लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ तक आपको डेफिनेशन तो पता चल गई, टारगेट ऑर्गन की डेफिनेशन भी है यहाँ पर, ठीक है, हारमोन्स की डेफिनेशन भी है, एंड द टर्म दैट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट इज स्टार्लिंग ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म। और साथ में हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में भी कहीं पर भी, हारमोन्स किसके बने होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए हारमोन्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स, राइट। इंस्टेड वी हैव सम स्टीरोइड्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ फैट्स कॉम्पोजिशंस, बट हमारे पास उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, राइट, स्टीरोल्स टाइप्स। सो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव फाउंड इन हार्मोन्स, सबसे पहली बात क्या है कि दीज आर द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी बात दे आर प्रोड्यूस एट द प्लेस जहाँ पर उसको एक्ट करना है, सो दे एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स अवे फ्रॉम देयर सोर्स, राइट। देन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना ब्लड पोर करते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपना ब्लड पोर करते हैं, फंक्शन में ये क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे, प्रोटीन्स के बने हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स या स्टीरॉइड्स के भी बने हुए होते हैं, राइट। देन अगर ये एक्सेसिव या लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा तो क्या होगा, तो बॉडी के लिए अच्छा साइन नहीं है, बॉडी में आपको हार्मफुल चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसकी सिक्रेशन के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। और हार्मोन जो है दे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय आफ्टर देयर एक्शन, तो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, उसके बाद एक नेगेटिव फीड मैकेनिज्म जाता है जिससे की वजह से वो स्टॉप हो जाता है, और इसी के थ्रू हम जो है अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो इफ यू टॉक ऑफ द हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड दैट वी कॉल इट एज द मास्टर ग्लैंड, राइट, पीनियल ग्लैंड दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, राइट, वी हैव थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। सो वन बाय वन करके हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू योर 10th लेवल। सो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर जिसको हम हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, एक्चुअली में अगर हम बात करें, आप डायग्राम में भी साथ साथ देख सकते हो चीज़ों को, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, जिसको आपने मास्टर ग्लैंड कहा, ये ग्लैंड बिल्कुल छोटा सा स्मॉल ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से, दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस रीजन, बिल्कुल यहाँ हाइपोथैलेमस रीजन के पास अटैच रहता है, राइट, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर है दैट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ योर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, राइट। और यहाँ से अगर देखोगे हाइपोथैलेमस में, अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ें, तो यहाँ से हमारे डिफरेंट नर्व जो हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद अवर सेंस ऑर्गन्स, राइट। तो वही लिखा है, जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक कियास्मा वेयर ऑप्टिक नर्व फ्रॉम ईच आई मीट, सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हैं लोब्स होते हैं हमारे पास, एक आगे आपका एंटीरियर लोब, राइट, एक पोस्टीरियर, एंड इन बिटवीन आप बोल सकते हो देयर इज मिडल लोब,
अगर हम बात करें आपके पास, तो आपका जो एंटीरियर लोब है वो कुछ सटन हार्मोन्स क्या करता है, सिक्रीट करता है, और वो आपको सटन हार्मोन्स याद रखने हैं जो आपका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट 6 हार्मोन्स रिलीज करता है, डैट इज योर ग्रोथ हार्मोन, राइट, योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, 1, 2, 3, 4 प्रोलैक्टिन हार्मोन आ गया आपके पास। देन इसके साथ साथ अगर आप बात करो, यू हैव एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, राइट, एंड योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज आर द 6 हार्मोन्स डेट आर सिक्रीटेड फ्रॉम योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, आपके पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है जिसे आप ल्यूटिटोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हो, LTH, देन एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है डैट प्रोमोट्स आर रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन योर बॉडी। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो इट विल एक्ट एज ड्वार्फिज्म, बोने लोग देखे होंगे आपने, डैट विल लीड्स टू डैट, ओके। और अगर ओवर सिक्रीशन हो रही है देन गिग्नेटिज्म, तो आपकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मतलब खली से भी ऊपर, राइट। तो दिस इज द ग्रोथ हार्मोन डैट प्रमोट, हाउ वेल इज योर ग्रोथ अटेन्स, और दूसरा आपके ये मेटाबॉलिज्म पे भी अफेक्ट करेगा। देन योर एड्रीनोकॉर्टिको, एड्रीनोकॉर्टिको नाम से याद रखोगे, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, दीज आर योर किडनीज, किडनीज के जस्ट ऊपर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हार्मोन जो है ये एक्टिविटीज़ किस कौन सी रेगुलेट करता है, आपके एड्रीनल पार्ट की, एंड एड्रीनल का भी कौन सा पार्ट, आपका कॉर्टेक्स पार्ट, मतलब बाहर वाला पार्ट जो है उस पार्ट को रेगुलेट करता है, ताकि जो है वो क्या कर सके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज कर सके। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की अगर मैं बात करूँ, दैट रिलीजेस योर कॉर्टिसोल, तो ड्यूरिंग योर एमरजेंसी कंडीशन, योर फ्लाइट कंडीशन, फ्लाइट हार्मोन्स पे अगर आप बोलोगे, ड्यूरिंग योर दैट कंडीशन इट एक्टिवेट्स एज योर इम्यून सिस्टम, मतलब ये आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, बॉडी में एकदम से जो है ये बोलता है एक अलार्म क्लॉक की तरह, कि अलार्म बजाएगा कि यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक डैट अगर कहीं पर भी फायर लिट होती है तो आपके फायर अलार्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव एक साइन है और बॉडी के लिए ये नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि ओवरथिंकिंग स्ट्रेस की वजह से अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी इम्यूनिटी तो वही बढ़ा रही है बार बार, लेकिन आगे जाकर जो है कोई भी जब दुश्मन नहीं है, कोई भी वहाँ पर WBCs नहीं है, तो वो कोई भी वहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। सो अगर आगे कोई भी एक्ट करने के लिए नहीं होगा तो बॉडी अपने ही सिस्टम को अटैक करेगी। सो ड्यूरिंग योर स्ट्रेस कंडीशन इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट। देन द थर्ड वन इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है थायराइड, तो इट इज रिलीज फ्रॉम योर थायराइड ग्लैंड एंड डेट हेल्प्स टू सिक्रीट थायरोक्सिन, और ये इंटरनली आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, राइट। सो देन योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, डैट मीन्स आपके फॉलिकल्स की प्रोडक्शन करना, मतलब गैमेट्स की, तो आपके फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स एंड मेल्स में आपके स्पर्म प्रोडक्शन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ड्यूरिंग योर ओवोल्यूशन प्रोसेस, योर कार्पस ल्यूटियम जब आपके पास बनता है, उस टाइम आपके प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। सो ये आ गए आपके दो हार्मोन्स, हम इनको बाद में थोड़ा मेन डिस्कस भी करेंगे।
देन योर लास्ट वन इज योर प्रोडक्टिव हार्मोन. नाम से पता चल रहा है प्रो मीन्स इनएक्टिवेट फॉर्म में आपका लैक्टिन प्रोड्यूस करना. लैक्टिन टर्म इट्स इंट्रोड्यूस विद योर मिल्क. सो दिस इज दिस हार्मोन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ योर मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग योर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी कंडीशंस एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स lactation, that is the milk production after delivery. So the prolactin level rises in during pregnancy and very high like during lactation. So this is about the anterior parts, that is the anterior lobes of your pituitary gland. In the next video we will discuss about the middle parts and laterally with these certain glands in detail and the posterior pituitary gland. Till then, bye-bye, see you.